नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आपको याद दिला दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले एबीपी न्यूज की सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात नोटिस करिए, हम तीनों आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है नमस्ते भारत का, बिल्कुल भी बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सभी की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बनवाल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग प्राइम टाइम का एक बार फिर से नमस्ते भारत को नंबर वन शो बनाने के लिए। लेकिन शुरुआत करेंगे आज बेहद डराने वाली खबर से, इस लिहाज से क्योंकि कश्मीर घाटी में जैश एक बार फिर से बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी एक बार फिर घाटी में बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक दो दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, 3 से 4 दिन में जैश के आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। जैश के आतंकी काजी गुंड और अनंतनाग के बीच हमला करने की फिराक में है। चोरी की टाटा सुमो के जरिए आईईडी का इस्तेमाल कर हमले की साजिश है। सुरक्षा संस्थानों, सुरक्षा बल और कैंपों पर जैश के आतंकियों की नापाक नजर है। इस खुफिया जानकारी के बाद सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले से पहले भी खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन सुरक्षा में चूक की वजह से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा कि हम आतंकवाद पर बहुत सजग हैं, हम कदम पे कदम उठा रहे हैं। और ऐसा ही कदम पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर उठाया है, सिर्फ दिखाने के लिए। सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारें। भारत और दूसरे देशों के लगातार बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान से एक बार फिर आतंकी हाफिज सईद पर शिकंजा कसने की खबर आई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाफिज के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत के 56 मदरसों को अपने कब्जे में ले लिया है। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के सलाहकार के मुताबिक पाकिस्तान ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत को मंगलवार को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया था, जिसके बाद से इनकी संपत्तियां जब्त करने का सिलसिला जारी है। लेकिन 2 दिन के अंदर ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद नाम के इस सांप ने किंचुल बदल दी और उसे नया नाम दे दिया, अल मदीना का। इसी तरह जिस फलाह इंसानियत नाम की तंजीम पर बैन लगाया गया था, उसका नाम भी बदल कर एसर फाउंडेशन कर दिया है। वहीं ऐसे आतंकी संगठनों को नेस्तोनाबूद करने के लिए भारत अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मुख्यालय को फिर से गठित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सेना में एक नए उपसेना प्रमुख का पद गठित किया गया है। नए उपसेना प्रमुख को डिप्टी चीफ स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाएगा। नए उपसेना प्रमुख सीधे मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इन्फो वॉरफेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेना मुख्यालय में तैनात 229 अधिकारियों को अब सीधे चीन और पाकिस्तानी सीमा में भेज दिया गया है। पिछले साल सेना प्रमुख ने मुख्यालय को पुनर्गठित करने की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव ने स्वीकार कर लिया और इस समिति की सिफारिशों को मान लिया गया है। तो ये बात सही है कि भारत पाकिस्तान के बीच इस बीच काफी तनाव पैदा हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि करतारपुर कॉरिडोर का काम नहीं रुकेगा। जम्मू कश्मीर की सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर काम जोरों पर है। गुरुद्वारा साहिब के आसपास बनने वाले बाग और मास्टर प्लान पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जगह जगह पर जेसीबी मशीन लगी है और चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। 14 तारीख को अटारी पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल मिलने वाले हैं। नवंबर तक कॉरिडोर का काम पूरा करने का लक्ष्य है, क्योंकि नवंबर में ही गुरु नानक देव की 550वीं जयंती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू में कल जो ग्रेनेड हमला हुआ था, उसको लेकर के सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इसी फुटेज के आधार पर
जो गिरफ्तार किया गया था, हिजबुल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, तस्वीर जारी करने वाला हिजबुल आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर है। कल बस स्टैंड पर हमला हुआ था, एक शख्स की जान चली गई थी, 32 लोग जख्मी हुए थे। और अभी पुलवामा का हमला और उसके बाद एयर स्ट्राइक हमने की, उसके बाद एक और हमला। और ये देखिये, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर उस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। और ये आतंकी जो है हिजबुल मुजाहिदीन का है। जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं, बस स्टैंड भीड़भाड़ का इलाका। और पिछले 6 महीने में ऐसा दूसरी तीसरी बार होने जा रहा है कि जब जम्मू के बस स्टैंड को निशाने पर रखा गया हो, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद भी आतंकी। ये देखिए, ये लाल घेरे के अंदर आप उसी आतंकी को देख रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। और इसी फुटेज के आधार पर, चूंकि सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे, काम कर रहे थे, और इसीलिए ये हेल्पफुल रहा काफी ज्यादा और इस आतंकी को गिरफ्तार किया जा सका। और इसीलिए हालांकि जो जम्मू बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां की सुरक्षा हर समय काफी कड़ी रहती है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम, चूंकि इन सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर ही हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जो कल ग्रेनेड हमला जम्मू के बस स्टैंड पर हुआ था। एक शख्स की जान चली गई थी, अफरा तफरी का माहौल और 32 लोग जख्मी हुए। जम्मू में कल के हमले से जुड़ी ये सीसीटीवी फुटेज अब आपके सामने। तो वहीं पुलवामा हमले को फिक्स्ड मैच बताकर कांग्रेस के नेता फंस गए हैं। विवादित बयानों के लिए कुख्यात कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पुलवामा हमले पर एक और विवादित बयान दे दिया है। वेल मिस्टर रविशंकर प्रसाद शुड क्लैरिफाई वेदर देयर इज एनी मैच फिक्सिंग बिटवीन द पाकिस्तान एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी, अदरवाइज विदाउट देयर नॉलेज दिस पुलवामा इंसिडेंट वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like the Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. Pulwama attack ko fixing kehkar Hari Prasad ne apni party ko back foot par la diya. Congress ko samajh hi nahi aa raha ki kya kahe. Congress ne jaise taise bayan se palla chhada. बीके हरी प्रसाद ने जो भी कहा है वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के ना प्रवक्ता हैं ना ऑफिस बेरर हैं। जो उन्होंने कहा है अपनी निजी कैपेसिटी में कहा है, और उसका जो भी क्लैरिफिकेशन है हम उम्मीद करते हैं वो आपके ही माध्यम से जल्द देश को देंगे। बीजेपी कांग्रेस को पक्षने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के महासचिव ने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसे लोगों को भारत की जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी रोज ये दिखा रही है कि वो भारत के साथ नहीं है। हरि प्रसाद का वक्तव्य उसकी पुष्टि है। इसे कहते हैं शहादत पर सियासत। ये होगा अभी क्योंकि काउंटडाउन आगे बढ़ रहा है। 29 दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। यूपी में कांग्रेस के एसपी बीएसपी से गठबंधन की अटकलों के बीच कांग्रेस ने राज्य की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम शामिल है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, सोनिया गांधी रायबरेली से, फरुखाबाद से सलमान खुर्शीद, कुशीनगर से आरपीएन सिंह, फैजाबाद से निर्मल खत्री, धौरहरा से जतिन सिंह, इमरान मसूद सहारनपुर से, बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी, उन्नाव से अनु टंडन, अकबरपुर से राजाराम पाल और जालौन से ब्रजलाल खबरी चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने गुजरात की 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें पश्चिम अहमदाबाद से राजू परमार, आनंद से भरत सिंह सोलंकी, वडोदरा से प्रशांत पटेल और छोटा उदयपुर से रंजीत मोहन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, सोनिया गांधी के नाम को लेकर कहीं ना कहीं था कि वो लड़ेंगे चुनाव इस बार या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पहली लिस्ट आने से ये साफ हो गया है। बढ़ते हैं आगे और बात राम मंदिर मसले के, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दरअसल आज ये तय करने वाला है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा मध्यस्थता के जरिए सुलझेगा या फिर नहीं। अयोध्या भूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे बड़ा आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना है या नहीं। अगर कोर्ट मध्यस्थता के पक्ष में फैसला लेता है तो मध्यस्थों के नाम भी तय किए जा सकते हैं। कोर्ट चाहता है कि मामले से जुड़े पक्ष साथ बैठकर कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करें जो सबको मंजूर हो।
हालांकि ज्यादातर हिंदू पक्षकारों ने इसका ये कहते हुए विरोध किया है कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मामले में समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव में मात्र 29 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में पीएम मोदी यूपी के दौरे पर हैं, जहां वो गाजियाबाद से लेकर बनारस तक का दौरा आज एक दिन में करने वाले हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस सबको इंतजार है पीएम के सुपर फास्ट दौरे का। आज पीएम यूपी के वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जाएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर संपर्क मार्ग की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 में शिरकत करेंगे और जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी के बाद पीएम कानपुर पहुंचेंगे, जहां उनकी रैली है। पीएम कानपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मोदी आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आखिर में पीएम मोदी गाजियाबाद जाएंगे, जहां के लोगों को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक बनी मेट्रो रेल को वो हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। हमारे देश में चुनाव का बड़ा दिलचस्प पहलू होता है पोस्टर्स। अब देखिए बनारस की सड़कों में नरेंद्र बाहुबली का अवतार। स्वागत है, स्वागत है, बाहुबली का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बाहुबली। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां लोग पीएम के स्वागत में सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों के हाथ में पोस्टर है, जिसमें पीएम मोदी को बाहुबली के रूप में दिखाया गया है। मोदी जी जितना इस काशी की धरती पर विकास की गंगा पूरे देश में बहा रहे हैं, आतंकवादी हमला जो पुलवामा पर हमारे सैनिकों के ऊपर किया आतंकवादियों ने, जिस तरह से उन्होंने एयर स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया, हम उस काशी की धरती से उनको बाहुबली के खिताब से नवाज रहे हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी जा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, ये तो शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और कार्यकर्ता इतने उत्साहित है चुनावों के आने से कि वो कोई भी टोटका आजमाने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है। इस कुर्सी की पिछले वो बैठे थे, हमने इस कुर्सी को शुभ माना और मोदी जी की इस कुर्सी को हमने पार्टी में उनके खड़ाओं के रूप में प्रेरणा लेने के लिए इसको पार्टी की धरोहर बना दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज कानपुर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो फिर से इसी लकी कुर्सी पर बैठेंगे। चलिए यहाँ हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कांग्रेस के धमकी देने वाले विधायक। अब जरा सुनिए मध्य प्रदेश के सिवनी के कांग्रेस विधायक के बिगड़े हुए बोल। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर सत्ता में लौटी कांग्रेस के विधायक साहब की जुबान सुन लीजिए। अर्जुन नाम है मेरा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। बात करने आया शराफत से बात करना मेरा, शराफत से बात करना मेरे से। एक, एक अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे अकेले में ताकत है निपटने की। सुनो, एक बात सुनो, मर्द के बच्चे हो ना,
तो मेरे से बात करो ना। दरअसल धान की खरीदी ना दिए जाने को लेकर 30,000 किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इसी दौरान विधायक अर्जुन सिंह वहां पहुंच गए और गहमा गहमी हो गई। उसके बाद विधायक जी के मुंह से किसानों के लिए ये शब्द निकल गए। नमस्ते भारत में हमारी कोशिश होती है हर तरह की खबर आपके सामने हम रखें। हरियाणा के नकलची कैसे खुलेआम प्रशासन को दिखा रहे हैं ठेंगा, ये रिपोर्ट दिखाएगी आपको। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की है, जहां 12वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल चल रही है। इंग्लिश का पेपर था और ये देखिए स्कूल की बिल्डिंग की दीवार पर चढ़कर ये लोग कैसे दूसरी मंजिल तक पर्चियां पहुंचा रहे हैं। और ये सब पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चलता रहा। अब ये सुनिए कि खुलेआम नकल के बावजूद शिक्षा अधिकारी कैसे सब कुछ ठीक बता रहे हैं। पेपर ठीक तरह से चला, स्टाफ ने अच्छी तरह से ड्यूटी दी, मोबाइल बाहर रखवा दिया गया। नकल किस तरह से? नकल तो हुई नहीं, अंदर से कोई निकल नहीं, बाहर की डिस्पेंस का हमारे हाथ हो नहीं होता। तो खट्टर साहब ये तस्वीरें देखिए और नकलचियों पर नकेल कसिए। खैर नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप प्रतिमा मिश्रा के साथ जरूर देखिए स्पाइस मिसाइल से मरेगा मसूद।